So let's start question number 7 now. If ninth term of an AP is 0, इनका कहना है कि ninth term 0 है, जिसका मतलब अभी हमने discuss किया कि हमें A9 की value अगर 0 पता है, तो हमें ये पता है कि A plus 8D कितना है ना? Ninth term का मतलब होता है A plus 8D. फिर इनका कहना है, prove that its 29th term is double the 19th term. 29th term का मतलब क्या हुआ? हमें क्या prove करना है? Let's mention it. Prove that 29th term, यानी कि ये हो गई 29th term, is double the 18th term, is double the 19th term. 19th term क्या होती है? A19 होती है. इनका कहना है जो 29th term है ना, वो 19th term की double है, ये आप prove कीजिए. यानी कि हमें ये prove करना है. हमने 19th term का double किया और equal रख दिया 29th term के. तो इसका मतलब हमें एग्जैक्टली प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है 29th टर्म होती क्या है, पहले लिखिए. ये होती है a plus 28d, दैट्स राइट. ऐसे ही अगर हम 19th टर्म डिस्कस करें तो वो क्या होती है? वो होती है a plus 18d. आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू. अब इसी पार्ट को सॉल्व करके अगर हमें कुछ ऐसा पता चल जाए कि ये वाली वैल्यू आ जाए तो प्रूव हो जाएगा. हमें ये प्रूव करना है. इसी प्रूव वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं, ठीक है? सो ये हो गया a plus 28d equals, इसको भी सॉल्व करें, 2 की वैल्यू a से मल्टीप्लाई हुई तो 2a plus 218d से मल्टीप्लाई होगा तो 36d. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, हम a की वैल्यू को यहाँ ले जाते हैं और 36d को यहाँ ले आते हैं, तो क्या होगा? 28, या एक काम करते हैं, दोनों को एक जगह रखते हैं और एक साइड सब कुछ जीरो कर देते हैं. देयर इज अ रीजन, आई विल शो यू, वेट. ये दोनों वैल्यूज हम वहां ले जाते हैं क्योंकि 2a में से जब a माइनस होगा तो यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव बचेगी, है ना? यहाँ पे हमने कर दिया जीरो, तो 2a में से a गया, a बचा, और 36d जो मैंने नहीं लिखा, लेट मी मेंशन इट, ये है 36d और 28d भी इधर आ गया ना, सो माइनस का 28d. सो ये बचा a प्लस, ये कितना बचा? 8d, और ये आ गया जीरो. अब देखिए ये क्या वैल्यू आई है, ये वो वैल्यू आई है जो इन्होंने हमें ऑलरेडी दी थी, तो यहाँ मेंशन करते हैं विच इज ऑलरेडी बीन गिवन. Hence, proved.